पार्किनसन्स मेनली गोटे ओल्ड एज प्रोब्लेम जो मानको मेनली 60 प्लस एज हो जाए से पार्किनसन्स डिजीज रे अफेक्टेड होती तार मेनली दुटा पार्ट थाए गोटे मेडिकल पार्ट जोटा कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आम कहू मेडिसिन द्वारा अनदर इज सर्जिकल पार्ट मेनली 99% केस को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करा जाए जोटा कि मेडिकेशंस अनदर इज वेरी इंपोर्टेंट फिजियोथेरापी और फिजिकल मेडिसिन्स एंड रिहैबिलिटेशंस कौन हुए मेनली पार्किनसन्स पेशेंट मानकर वेरी इंपोर्टेंट से चलबारे बहुत डिफिकल्ट हुए डिफिकल्ट मीन से शॉर्ट स्टेपिंग गेट माने चलला बेले छोटो छोटो स्टेप रे चलिबे एगेंसन पड़ी गला बेले हुए ता कोंती फेस्टिनेशंस गेट से आगो को माड़ी गला बेले चल जांती नॉर्मल चली परंतनी जोर जोर चलला बेले करंती आउ तंकर पोस्चरटा फॉरवर्ड पोस्चर से जाय इट्स जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क लाइक पोस्चर्स तंकर उठे हे जाय तो ताको चेंज करिवा पई फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा के फिजियोथेरेपी रे कोन कोन करू तार मेन एक्सरसाइज गुडा मु कहूची फर्स्ट हला पोस्चर करेक्शन सेकेंड हला बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज फोर्थ इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो इन पोस्चर करेक्शंस आम कौन करूँ मेनली गोटे लोकर पोस्चर्सटा क्वेश्चन मार्क भले पोस्चर से स्टूफ लाइक पोस्चर्स हो जाए सो आम पोस्चर्स करेक्शंस जो मसल्स गुड़ा टाइट होता है पेक्टोरालिस मसल्स ट्रापेजियस मसल्स स्ट्रेच करूँ आउ जो मसल्स गुड़ा विक होता है ताको आम स्ट्रेंथनिंग करूँ तो करेक्ट पोस्चर्स इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर पार्किनसन्स पेशेंट सेकेंड इज गेट ट्रेनिंग पेशेंट कौ प्रकार चलुची आगू चली पड़ जाऊँगी तार पोस्चर्स करेक्शन करी प्रॉपर गेट ट्रेनिंग आम कराऊ से थर्ड इंपोर्टेंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज रे आम कौन करूँ थेरा बैंड एक्सरसाइज स्विमिंग एक्सरसाइज एंड किसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आम कराई एंड वेरी इंपोर्टेंट आम वेट लाइक डम्बेल वेट कफ एंड थेरा बैंड मसल स्ट्रेंथनिंग करूँ आउ सबुठ इंपोर्टेंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज यार कौन हुए लंग्स फंक्शंस इज वेरी इंपोर्टेंट पेसेंट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज आम तर लंग्स फंक्शंस को मेन्टेन करूँ जोटा कि आम शिखे था इंट्रोकोस्टल ब्रीदिंग एंड पर्स लिफ्ट ब्रीदिंग्स जोटा कि तार मेनली मेन्टेन कराए आमको एक्सरसाइज द्वारा आउ गोटे मेजर प्रॉब्लम हुए से मानकर टर्निंग लाइक जो मैंने पार्किनसन्स पेसेंट थे से सीधा चली पारे जिते से टर्न करेंगे बुलवे दे विल टेक ए लंग स्पेस बड़ स्पेस दरकार बिकज से तार पोस्चरटा एमती थाए कि से सेंटर ऑफ ग्राविटी जोटा कि आम ह्यूमन बॉडी रे सेंटर ऑफ ग्राविटी थाए फॉरवर्ड हो जाए तो ताकू गोटे लॉन्ग स्पेस दरकार आगू मूविंग करिवा पई तो तार भी आम गेट ट्रेनिंग द्वारा हाई स्लो स्टेपिंग गेट तार हो जाए गेट ट्रेनिंग आम कर आउ गोटे इंपोर्टेंट है बर्तमान बयांसी फोर्स जोटा कि पानी भितर एक्सरसाइज कहती फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ावापी आम ताको स्विमिंग एक्सरसाइज भी एडवाइज करता मेनली पार्किनसन्स पेशेंट्स जो मानकर एज अधिका थाए तो तांकर मल्टीपल प्रॉब्लम थाए कौन हुए जो माने पार्किनसन्स पेशेंट थांती तांकर फॉल पड़ीबार चांसेस बहुत अधिका थाए तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल गोटे फिजियोथेरेपी बहुत इंपोर्टेंट जदि जने पेशेंट पड़ी जाउची ताको प्रिवेंट करिवा पई आमे कौन करि परिबा फर्स्ट थिंग्स जदि पेशेंट आगु को हो जाउची आमे ताको गोटे असिस्टिव डिवाइस इट मे बी ए वाकर और ए स्टिक और ए क्रचेस कोटा ताको सुइटेबल सेटा आम दे पारिबा काहेकि पेशेंट जदि पड़गला अगेन देर इज ए चांस ऑफ फ्रैक्चर एंड अदर कॉम्प्लिकेशन विल अराइज तो आम न पड़ा पेशेंट्स को आम मेनली गोटे असिस्टिव डिवाइस द्वारा वाकिंग टेक्निकटा बतई था जमीती कि तार प्रिभेन्शन पड़वाटा को आम अवॉइड करूँ बिकज ओल्ड एज्रे जदि पेसेंट पड़ जाए अगेन फ्राक्चर्स और हेड इंजुरी हुए तार अदर कम्प्लिकेसन्स गुड़ा आसे तो फिजियोथेरापी गोटे होलिस्टिक्स आप्रोच रे पेसेंटर आसेसमेंट करी तार प्रॉपर पोजिशन पोस्चराल करेक्शन बालान्स स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान देकी आम तार एक्सरसाइज गुड़ा करते